वीडियो आगे बढ़ने से पहले बड़े लोग को नमस्ते, छोटे लोग को प्यार भरा आशीर्वाद। शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोसी में जाकर रेखा के पास जाकर बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार थी, सोचा खबर भी ले आऊं और बैठ भी आऊं। मेरे बैठे बैठे उसकी तीनों देवरानियाँ भी आ गई। ताई कैसी हो, हाल चाल पूछने के बाद इत्मीनान से चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके वो अम्मा जी की बातें बताने लगी। बातें ही क्या थी, सिर्फ शिकायतें कि जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसे कहा वैसे कहा, ये किया वो किया। आधे घंटे बाद सब यहाँ कहकर जाने लगी कि उन्हें शाम का खाना बनाना है और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी मुझे अम्मा जी के पास लेकर तक नहीं गया। उनके जाने के बाद मैंने रेखा से पूछ बैठी, रेखा अम्मा जी आज एक साल से बीमार हैं और तेरे ही पास हैं। तेरे मन में भी नहीं आता है कि इनका कोई और देखभाल करे, इनको रखे और इनका काम करे। माँ तो सबकी हैं। उसका जवाब सुनकर मैं तो ही हैरान ही हो गई। वो बोली, सुशीला ताई मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उन्होंने अच्छी जिंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की, सबकी अच्छी तरह से परवरिश की है। ये जो आप देख रही हैं मेरा घर, पति बेटा सानों शौकत सब मेरी सासू जी की ही देन है। अपनी अपनी समझ है ताई, मैं तो सोचती हूँ कि इन्हें क्या क्या खिला दूँ पिला दूँ, इनका किसी तरह ध्यान रखूँ, कितना सुख दूँ। मेरे बच्चे जब अपनी दादी माँ के पास ही सुबह शाम बैठते हैं, उन्हें देखकर वो मुस्कुराती हैं। अपने कमज़ोर हाथों से वो उनके माथे पर हाथ फेरती हैं और शरीर सहलाकर उन्हें जी भरकर दुआ देती हैं। जब मैं इनको नहलाती खिलाती पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं उसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया है। और फिर वह बड़े ही उत्सव से बोलती, एक बात और यह ताई, ये जहाँ भी रहेंगी घर की खुशहाली रहेगी। ये तो मेरी तीसरी बच्चा बन चुकी हैं। और ये कहकर वो सुसुक सुसुक कर रो पड़ी। मैं इस जमाने में उसकी ये समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपने गले लगा लिया और मन ही मन में उसे नम किया और उनकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी ही आज़ादी और शौक आराम के लिए अपने प्यार और ममता की ही मूरत को ठुकरा देते हैं। मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ऐसे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।